अब जो है वो हम देखने वाले हैं कि व्हाई इज फिनाइल अमाइन अ वीकर बेस। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हम शर्त ये रखते हैं कि हम देखते हैं हमारे पास है इथाइल अमाइन, ठीक है, और हम अमोनिया रख लेते हैं, और हम जो है वो फिनाइल अमाइन रख लेते हैं। ओके, इथाइल अमाइन क्या होता है? CH3 CH2 NH2, ठीक है, और ये जो है ये होता है NH3, और फिनाइल अमाइन होता है NH2, ठीक है। ये जो N इथाइल अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और फिनाइल अमाइन पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। अब बात ये है कि देखें इसके पास जो फिनाइल अमाइन है इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और जो इधर आपके पास जो यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, अमोनिया में तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो जो नॉन पेयर है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और इथाइल अमाइन जो है ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो है ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो हो गया ये कि ये जो आपके पास लोन पेयर है ये जो है ये इधर इंक्रीज हो जाएंगे, इधर जो है ये फिक्स्ड रहते हैं, और इधर जो है ये डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो हम जो एक में क्या चीज रिड्यूस करते हैं और वो ये है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड दिस इज अ वीकर बेस, ठीक है। अब जो है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा कि व्हाई फिनाइल अमाइन बेस, उस क्वेश्चन को जो है वो हम आंसर करते हैं। देखिएगा मैं जो हूँ ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोबारा बनाता हूँ, ये याद रखिएगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बनाता होता हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये आपके पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पे एक लोन बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास है एन एच और एच, ठीक है। हो गई ये कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बॉन्ड अपना इस इलेक्ट्रॉन पे शो करेगा, ठीक है, इस जो कार्बन ब्लू के साथ शोन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये अगले के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा ये, और यहाँ पे अब आपके पास आ गए हैं डबल बॉन्ड एन एच एच, और इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टू द नेक्स्ट पेयर और ये बॉन्ड अगले पेयर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा, और ये जो है ये आगे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये आगे चली जाएगी, तो ये जो है ये चीज रिपीट होती जाएगी। तो मैं इसको जो है वो अब रिमूव कर दूंगा कि एक तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग रही थी जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके ऊपर आता जाएगा, ठीक है, और क्या होगा कि एच पॉजिटिव जो है वो तो रिमूव ही नहीं हो सकेंगे, तो वो जो है वो दे विल एक्ट एज अ वीकर पेयर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आंसर इसका कि लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम बिकम्स
सी फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टेल ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेस एंड इट विल नॉट गेन द प्रोटॉन रेडी. ठीक है, तो ये जो है ये उसका आंसर है. ठीक है,